हम कितने साल के जॉब देंगे? वालेकुम सलाम। क्या जी, कौन कहाँ से? मैं कराची से बात कर रही हूँ। जी आपका नाम? अनीला। जी कहिए। मैं अनीला बोल रही हूँ। जी अनीला साहिबा कहिए। एक्चुअली मेरे हस्बैंड 3-4 महीने पहले रमजान ईद के दिन, मतलब रमजान ईद के दिनों में ना, मेरे हस्बैंड के साथ, मतलब उनकी जगह पर यानी फैक्ट्री में ना मर्डर हो गया था। आपके हस्बैंड का? हाँ। अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। जी बताइए फिर। हाँ, तो मतलब उन वहाँ उसी के सिलसिले में ना मेरे हस्बैंड को जो है वो पुलिस लेके गई थी, हालांकि उनके लेबर में से किसी ने ये ना मर्डर कर दिया था। ठीक है। तो अब मेरे हस्बैंड मतलब इतने महीने, अब तो वो घर आ गए हैं, लेकिन इतने महीने गुजरने के बाद भी वो जो ट्रॉमा के साथ इंसिडेंट हो गया है ना, तो वो उनको भूल नहीं पा रहे। अच्छा चले, ठीक है, इस बात को भी डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। हमारे साथ एक और कॉलर मिसेस शाहिद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, ठीक ठाक, आप कैसी हैं? सर आप कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक सर, अल्लाह का शुक्र है। मैं लास्ट टाइम आपके इंस्टीट्यूट भी आई थी, मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ आके। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और सर आप जो टॉपिक्स लेकर आते हैं वो सारे टॉपिक्स ऐसे रिलेट होते हैं हमारी सोसाइटी से, ऐसा लगता है सब तरफ वही चीज है। बिल्कुल, जिंदगी से ताल्लुक है ना। तो सर या तो हम दानिस्ता तौर पे टॉर्चर कर रहे होते हैं या किसी टॉर्चर का शिकार होते हैं। और मैं भी उस टॉर्चर का शिकार होती हूँ कि जैसे मैं अब बिल्कुल कट ऑफ होके रह गई हूँ सोसाइटी से। ओए होए। और मैंने बिल्कुल अपने आप को अलग थलग कर लिया। बहुत कम मैं लोगों से फिर ताल्लुक रखती हूँ, जैसे कोई टॉन्ट कर दे कोई वजन के ऊपर या किसी और बात के ऊपर, तो मैं उनसे अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकती। ठीक है, ठीक है, चले इस बात को डिस्कस करते। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। मैसेज एक और कॉलर मिसेस तजुमुल साहिबा कर रहा अटक से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक शुक्र है जी। आपको अस्सलाम वालेकुम और सर को तो सलाम है। वालेकुम अस्सलाम। सर को सलाम है, क्या बात है सर जी, बताइए। उनसे मुझे बड़ी अकीदत है। हाँ चले अच्छी बात है। अच्छा बताइए मेंटल टॉर्चर के बारे में। इस पे तो मैं फिर शायद किसी टाइम कॉल करूंगी, लेकिन इस वक्त मुझे सर से बात करनी है। सर मैं बहुत मुश्किल में हूँ, मुझे आपकी रहनुमाई की और मदद की बड़ी सख्त जरूरत है। कहिए कहिए। लेकिन इस तरह मैं टीवी पे बात नहीं कर सकती और कोई मेरे पास जरिया नहीं है फोन के अलावा। अच्छा ठीक है, हमारा नंबर आएगा एंड में जी, तो अगर सुबह कल 12 बजे के बाद अगर आप उस नंबर पे कॉल कर ले। अच्छा, एक नंबर आएगा एंड में हमारा 0345-822-1111। अच्छा, उस नंबर पे 12 बजे के बाद कल कॉल कीजिएगा। आप मुझसे बात कर लेंगे? जी मैं कर लूंगा, आप बता दीजिएगा आप अटक से हैं। ठीक है चले। अच्छा। थैंक यू सो मच। हमारे साथ एक और कॉलर नौशीन साहिबा सऊदी अरेबिया से। अस्सलाम वालेकुम नौशीन। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक। सर कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। मैं ठीक ठाक हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम नौशीन जी, फरमाइए। सर जी, सर आज मैं आपसे एक अपना प्रॉब्लम डिस्कस करना चाहती थी, बेसिकली अपने हस्बैंड का। जी जी। तो मेरे हस्बैंड के ऑफिस में काफी सारे पाकिस्तानी हैं और जो नई कुछ नई मैनेजमेंट आई है और वो उन लोगों ने कुछ ऐसा सिलसिला किया है कि आधे पाकिस्तानियों को निकाल चुके हैं और आधों को इतना मेंटल टॉर्चर किया जा रहा है कि या तो वो खुद चले जाएं रिजाइन कर दें या फिर जो है वो तमाशा देखते रहें, मतलब इंसल्ट अपनी सहते रहें और बेइंसाफियां देखते रहें अपने साथ। तो प्लीज सजेस्ट कीजिएगा इस कंडीशन में क्या करना चाहिए। चले थैंक यू सो मच। और एक और मैं अपना ड्रीम शेयर करना चाहती थी, अगर थोड़ा सा टाइम हो तो। टाइम हमारे पास। रोशन साहब आप ईमेल कर सकते हो? ईमेल कर दें प्लीज। ईमेल मैंने की थी लेकिन मुझे जवाब भी दिया था लेकिन मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया, तो मेरे बस 2-3 मिनट लगेंगे। आपका ये होगा कि मैं आपका आप अपना एक नंबर डॉक्टर मोहित को ईमेल कर दे तो आपसे पर्सनली बात करके ड्रीम डिस्कस कर लेंगे। अच्छा मैं चले ठीक है चले ओके। थैंक यू सो मच रोशन साहबा। हमारे साथ एक और कॉलर है समन साहिबा जो 4D का जिन्होंने वाउचर भी जीता था कॉल पे पिंडी से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो सनम? समन क्या हाल है आपका? ठीक ठाक, ये देखो पहना हुआ है मैंने। मैंने कल भी देखा, कल मैंने बहुत कोशिश की मिलाने की, मैंने कहा था ना मैं नहीं उतारूंगा। कैसी रही 4D की वर्कशॉप, मजा आया करने में? हाँ जी बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। अच्छा चलिए रिलेटेड कुछ बात करना चाह रही थी
तो मुझे ना नॉर्मली ना बहुत गुस्सा आता है ना जब बच्चे तंग करते हैं ना, तो मैं जब अपनी बड़ी बेटी को समझाती हूँ ना तो वो आगे से मुझे गलत आंसर करती है, तो मुझे बड़ी ज़हनी टेंशन होती है और बहुत आता है कि मैं कोशिश करती हूँ अच्छा फिर मैं उनको बोलूंगी ना, तो वो आगे से सुनते नहीं है ना, फिर बोलूंगी नहीं करो नहीं करो, फिर वो मेरे अंदर ना गुस्से की तबीयत पारी हो जाती है, शाउट बहुत ऊंचा बोलने लगती हूँ, तो अपनी कोशिश करती हूँ कि नहीं बोलूँ ना, लेकिन ये मुझे बहुत चीज तंग करती है, खुद को फील होता है कि भाई ऐसे मत करूँ ना, पर मुझसे रहा नहीं जाता। और जो 4 दिन से ना मुझे नींद भी ठीक से नहीं आ रही है, पता नहीं क्यों, मैं सोते हुए ऐसे लगता है, उठती हूँ ऐसे लगता है मैं जागी भी सोई हूँ। चले इस बात को डिस्कस करते हैं, चले हम इस बात को डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का, एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द 4 डायमेंशन वर्कशॉप। हमारे साथ एक और कॉलर अलवीना साहिबा कराची से, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रुजाती, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, तुम कैसी हो अलवीना? अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सर को भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं सर आप? मैं ठीक ठाक हूँ अलवीना, और बस मैंने पूरे दिन इस शो को बहुत मिस किया, मैं इंतजार करती हूँ 9 बजने का। स्वीट, चलो बताओ। और रुजाती मसला ये मैं डिस्कस करना चाहती हूँ, मेरा कजन है उसके ना कमर में खम है, वो सही तरह खड़ा नहीं हो सकता है, हंचबैक मतलब है ना, दौड़ भी नहीं सकता, तो अब जैसे लोग बातें भी बनाते हैं और उसकी वजह से ना उसकी वालदा जो ना बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहती है मेंटली तौर पर। ठीक, मैं पर्सनली तौर पर ना सर से मिलना चाहती हूँ, अगर अम्मी वगैरह मिलना चाहते हैं सर से बात करना चाहते हैं, तो वो नंबर हमारा जो एंड में शो होगा ना उस नंबर पे कॉल करके तुम इनका अपॉइंटमेंट ले लेना, ठीक है बच्चे? जी जी, मैं थैंक यू, थैंक यू सो मच स्वीटर अलवीना, थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। बड़ी सारी कॉल थी, लोग अभी भी वेटिंग पे, लेकिन हमने कहा पहले हम आपकी कॉल का जवाब दे दें। किसके याद है? किसी नहीं, मुझे याद है, कैसे याद है, हमारी पहली कॉलर जो थी उन्होंने कहा कि आयशा जी मैं स्कूल जब जो कॉलेज और स्कूल जाते हैं वहाँ पे टीचर जो डिग्रेड करते हैं या टॉन्ट मारते हैं आप अच्छा नहीं पढ़ते, तो वो चीज क्या है, इज इट अ मेंटल टॉर्चर और व्हाट? टीचर को ये नहीं करना चाहिए, कई दफा टीचर स्ट्रेस में होता है, टेंशन में होता है, तो अपना गुस्सा जो है वो स्टूडेंट पर उतारता है। टीचर तो वो है जो बच्चे को अंधेरे से निकाल कर रोशनी की तरफ लेके जाता है, टीचर बच्चे में कॉन्फिडेंस पैदा करता है। अगर कोई बच्चा गलती करता भी है तो उसको डील करने का तरीका बिल्कुल पॉजिटिव वे में होना चाहिए, डिग्रेड ना करें, क्योंकि जब आप किसी को डिग्रेड करते हैं तो आप उसकी इज्जत नफ्स पर हमला करते हैं, सही, कभी भी ये ना करें, इज्जत नफ्स पर हमला। अच्छा, दूसरा हमारा जो था क्वेश्चन वो ये था कि जो हमारे साहब थे कॉलर यूसुफ साहब, वो अपने से जो बड़ी अथॉरिटी के लोग हैं उनसे उनको बड़ा ट्रबल होता है, उन पे उनको बड़ा एग्रेशन आता है, तो कहते हैं क्या वो जेलेसी है बाकी नीचे वालों के साथ या बच्चों के साथ, वो हमेशा हंबल रहते हैं? होता ही है, उन्होंने ये कहा कि नीचे वालों के साथ हर चीज में बर्दाश्त करता हूँ, मगर ऊपर वाले जो जब मेरे साथ बदतमीजी करते तो मुझसे शायद बर्दाश्त नहीं होता, राइट? कई दफा ये होता है कि एक जगह पे अगर आप अपने इमोशंस को सप्रेस करते हो तो वो दूसरी जगह जो है वो स्प्राउट होता है। जो ये काम कर रहे हैं कि अपने से कम लोगों के या नीचे वालों के साथ रवैया अच्छा रखते हैं, ये तो बहुत बड़ी नेकी है। इस नियत के साथ वो करें उनके साथ कि ये मैं अल्लाह के लिए कर रहा हूँ, ठीक है? और जब कोई बड़ा उनसे बदतमीजी करता है और इनको दुख होता है या तकलीफ होती है तो कोशिश करें कि उसको माफ कर दिया करें, ये सोच के कि पता नहीं इसकी अपनी जिंदगी में क्या इश्यूज हैं। लेकिन दैट इज नॉट जेलेसी, राइट? दैट इज नॉट जेलेसी, अथॉरिटी का प्रॉब्लम है। अथॉरिटी का प्रॉब्लम है, बाज लोग अथॉरिटी को डिफाई करते हैं, ठीक है, बाज अथॉरिटी को एक्सेप्ट करते हैं। एंड ही इज नॉट, ही सेड कि क्या मैं साइकोलॉजिकली में नहीं, कोई इल नहीं है, कुछ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ ये है कि चूंकि एक जगह वो, कई जगह ये होता है कि उनसे जो छोटे लोग हैं उनकी कोई बात बुरी भी लगती होगी तो वो उसको जज्ब कर लेते हैं। अब अंदर जब स्ट्रेस जमा होता है वो कहीं और निकलता है, तो इट इज वेरी, बहुत अच्छी आदत है यूसुफ साहब की कि अपने से कम जो नीचे लोग होते हैं उनके साथ शफकत और मोहब्बत से पेश आना, ये बहुत बड़ी नेकी है। चले हमारे जो हमारे नेक्स्ट कॉलर थे जो खैरपुर से थे, उनका असदुल्ला, जिन्होंने कहा कि हमारी जो कॉलेज बंद है मीरपुर की, वो मेहरान यूनिवर्सिटी असद अली की जो मेहरान यूनिवर्सिटी बंद है और 2 हफ्ते से बंद है, तो कह रहे हैं बच्चे जो मेंटल टॉर्चर से गुजर रहे हैं वो के पढ़ाई का क्या होगा, फ्यूचर का क्या होगा? अच्छा, एक तो मैं तुम्हें शायद बता दूं, तुम तो उस वक्त नहीं थी, कि मैं मेहरान यूनिवर्सिटी और लियाकत मेडिकल कॉलेज जामशहरों में लेक्चर्स दे चुका हूँ। अच्छा, और 2000 स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग के और मेडिकल स्टूडेंट्स के साथ। अच्छा, अब बच्चों के लिए तो मेंटल टॉर्चर है बिकॉज फ्यूचर इज एट स्टेक, मगर बच्चों के घर वालों के लिए भी मेंटल टॉर्चर है, राइट? तो आई डोंट नो व्हाई हम क्यों जल्दी फैसला नहीं करते, क्विक डिसीजन नहीं ले सकते, इसलिए कि शायद हमारा कुछ स्टेक पे नहीं। जिन लोगों को डिसीजन लेना चाहिए उनके अपने बच्चे उन कॉलेजेस में यूनिवर्सिटीज में नहीं होंगे, उनका कोई नुकसान नहीं हो रहा, तो उनको कोई परवाह नहीं इस चीज का। तो आई थिंक ये मीडिया के जरिए अवेयरनेस फैलाई जाए और फॉरेन डिसीजन लिया जाए। ठीक ठीक, लिया जाए डिसीजन। अच्छा, जो एक और कॉलर थे हमारे साथ और उनका ये क्वेश्चन था कि जी मोहसिन, कि मेरा एक फ्रेंड है, वो सबकी, उसको कोई मेंटल टॉर्चर शायद हुआ है, तो वो हर चीज़ को मेंटल टॉर्चर ही लेता है अपनी ज़िंदगी में, कुछ भी हो रहा हो, कोई प्रॉब्लम भी आए तो। अब वो कहते हैं कि बेसिकली अब उनका परसेप्शन इस किस्म का बन गया है कि किसी भी चीज़ को वो टॉर्चर के तौर पर समझता है, तो उसके अंदर अपनी ज़ात पे से एतमाद ख़त्म हो गया और वो जो टॉर्चर उसको मिला था उसको लेकर अभी भी वो चल रहा है।
तो वो फ्रेम उसने ऐसा बना दिया अपनी आंखों के सामने कि हर चीज उसको टॉर्चर नजर आती है। उसको किसी माहिर नफ्सियात के पास ले जाएं, कुछ अरसे सेशन दे, हिल भी ओके। अच्छा चले, अब मोहसिन का जो दूसरा सवाल था वो अलवीना फरा और बाकी सारे जो कॉलर से नौशीन साहिबा सऊदी सबका जो हम जवाब है हम ब्रेक के बाद देंगे। आप कहीं मत जाइएगा, आज मेरी मेमोरी फुल फटाक चल रही है, सबके सवाल मुझे याद है। तो आप देखते रहिएगा डॉक्टर मोहसिन, जैसे आप वापस आएंगे तो आपके आंसर भी हम देने वाले, सो कीप वॉचिंग।